Bizla Dog Fact in Hindi by the Ultimate Channel. Please subscribe our channel to make a sub and also press the bell icon for other new updates. अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य और हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास डॉग ब्रीड हंगेरियन विट्सला के बारे में। तो दोस्तों विट्सला के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए कि क्या ये लैब्राडोर है। बहुत से लोगों को लगता है कि विट्सला डॉग ब्रीड लैब्राडोर की तरह दिखती है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये विट्सला है जो कि लैब्राडोर से एकदम अलग है। अब जिन लोगों को विट्सला के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, उन लोगों को शायद लग सकता है कि हाँ ये लैब्राडोर है क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है उनसे। तो अब हम बात करते हैं इस विट्सला डॉग ब्रीड के बारे में और क्या क्या इनकी खासियत है। तो दोस्तों ये विट्सला डॉग ब्रीड हंगरी से आती है और इनको पॉइंटेड डॉग के ग्रुप में रखा गया है और इसी के साथ ये बहुत ही अच्छे हंटर्स भी होते हैं और इनको एज अ रिट्रीवर डॉग भी काम में लिया जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता रिट्रीवर डॉग क्या होते हैं, सपोज अगर किसी शिकारी ने किसी चिड़िया का शिकार किया तो वो कहीं दूर जाके गिरा, तो वो डॉग जाके उसको रिट्रीव करके यानी कि उसे वापस लेकर आएगा अपने ओनर के पास, तो वो रिट्रीवर डॉग होते हैं, जैसे कि लैब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस विट्सला डॉग ब्रीड को कई और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे हंगेरियन विट्सला, हंगेरियन पॉइंटर, मैग्यार विट्सला, और आपको बता दूं कि एक और टाइप का विट्सला होता है जिसे कि वायर हेयर्ड विट्सला कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जो विट्सला की डॉग ब्रीड है वो नियर टू एक्सटिंक्शन के आसपास आ गए थे, यानी कि खत्म होने वाले थे, क्योंकि जितने भी हंगेरियन विट्सला थे उनको या तो मार दिया गया था या फिर कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। देन उसके बाद जो हंगेरियन इमिग्रेंट्स थे वो अपने साथ विट्सला की डॉग ब्रीड को यूनाइटेड स्टेट्स लेकर गए, फिर उसके बाद वहाँ पे 1930s के टाइम में इनको अच्छी तरीके से ब्रीड किया गया, फिर उसके बाद 1960 में जाके अमेरिकन कैनल क्लब ने विट्सला को एज अ डॉग ब्रीड रजिस्टर किया। आज के टाइम में विट्सला की डॉग ब्रीड यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में काफी पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में ये डॉग ब्रीड आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगी। ये डॉग ब्रीड काफी अच्छे हंटिंग डॉग्स तो होते ही है, उसी के साथ साथ ये अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ही लॉयल होते हैं और बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग होते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये डॉग ब्रीड बच्चों के साथ भी इजीली रह सकती है। ये डॉग अपने ओनर की तरफ काफी ज्यादा अटैच्ड होते हैं, जहां जहां अपना इनका ओनर घूमता रहता है वही वही ये पीछे पीछे घर में घूमते रहते हैं पूरी तरह। और इनको कहा जाता है कि ये वेलक्रो की तरह होते हैं, ये अपने ओनर का पीछा नहीं छोड़ते कभी भी। विट्सला की ये डॉग ब्रीड नॉर्मली बार्क नहीं करती, जब इन्हें जरूरत पड़ती है बस तभी ये बार्क करते हैं। सपोज कोई स्ट्रेंजर आसपास घूम रहा हो या फिर आपके घर में कोई आया हो, किसी ने घंटी बजाई, तब ये बार्क करते हैं, वैसे ये बहुत ही रेयरली बार्क करते हैं। ये डॉग ब्रीड मीडियम साइज की होती है, यानी कि आप मान सकते हैं जैसे कोई लैब्राडोर रिट्रीवर की हाइट होती है करीब करीब आसपास वैसे ही, और इनकी एवरेज हाइट 21 इंचेस से लेकर 25 इंचेस के आसपास तक हो सकती है। और इनके वेट की बात करें तो ये काफी लीन बॉडी वाले डॉग्स होते हैं क्योंकि इनको भागना बहुत होता है, इनमें काफी मसल्स होते हैं और ये लीन बॉडी वाले डॉग होते हैं। और इनका एवरेज वेट 20 से लेकर 30 केजीस तक हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है डाइट पे। ये बहुत ही एनर्जेटिक डॉग होते हैं और इनको भागने के लिए जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है। तो अगर आप रख रहे हैं तो आपके पास मीडियम साइज का घर हो तो आपके पास टेरेस होना चाहिए या फिर लार्ज साइज का घर होना चाहिए। और इनको रेगुलर एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है ताकि इनकी बॉडी में जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को ये एक्सरसाइज के थ्रू बाहर निकाल सके। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो अगर आप इनको ट्रेन करना चाहते हैं और करना भी चाहिए ट्रेन, तो आप इनको इजीली ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और ये बहुत सी चीजों को इजीली कैच कर लेते हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये इजीली सीख जाएंगे। और जो काफी एडवांस ट्रेनिंग होती है उसके लिए इनको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे हर डॉग को लगता है एडवांस ट्रेनिंग में। अगर आप विट्सला डॉग लेना चाहते हैं तो इनके ब्रीडर को ढूंढने में आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनके ब्रीडर काफी कम है और विट्सला डॉग काफी कम लोगों के पास है। ये डॉग इंडिया में थोड़े रेयर है और इनका शॉर्ट और स्मूथ कोट होता है जिसे ग्रूम करना काफी इजी है, और इनका कोट गोल्डन, रेड गोल्डन, गोल्डन रस्ट यानी कि रस्टी शेड में आता है, वो थोड़ा डार्क और लाइट हो सकता है। और इनकी एवरेज लाइफ स्पैन अराउंड 12-15 ईयर्स तक होती है, ये काफी हेल्दी डॉग होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा
एपिसोड हंगेरियन विस्ला या फिर सिर्फ विस्ला के बारे में। और ऐसे डॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप दूसरा कौन से डॉग ब्रीड के बारे में जानना चाहते हैं। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।